हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कारामा जो सरकारी नौकरी में। और दोस्तों एचएससी ने निकाली हैं 1000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्तियां। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लें। और दोस्तों अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसकी जो नोटिस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप समय से रहते उसकी तैयारी अच्छी कर पाएंगे। और हमारे द्वारा की गई अपलोड वीडियो की अगर आप पीडीएफ भी देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिले, और वहाँ हम आपको हरियाणा की करंट, नेशनल करंट काफ़ी वीडियो वहाँ पर आपको अपलोड के माध्यम से पहुँचाते हैं। तो हम उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको जो लिंक है उसका वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं जो आज की हमारी वीडियो का पर्पस था उसमें, कि किस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज हैं वो निकली हैं। तो यहाँ से देख ली दोस्तों ये ट्रेंडिंग, एचएससी ने 1007 पदों पर निकाली वैकेंसी। तो यहाँ से मैं आपको ये बता देता हूँ किस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। तो ये देखिए दोस्तों, ये एनडीटीवी इंडिया न्यूज़ की एक खबर है कि एचएससी ने 1000 पदों पर निकाली, 1000 से भी ज़्यादा पदों पर निकाली वैकेंसी। आवेदन की प्रक्रिया, इसके अंदर आपके जो एचएससी ग्रुप भर्ती पर वैकेंसी निकली है जिसमें स्टेनोग्राफ, फिटर, इंस्ट्रक्टर, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, वेल्डर समेत कई अन्य पद शामिल हैं। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बता देते हैं आपको क्या इसके अंदर प्रोसीजर रहेगा। तो ये तो मैंने बता दिया था कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 फरवरी होगी इसकी। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार को, यानी कि ग्रेजुएट, दोस्तों यहाँ पर देख बिल्कुल ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है। अगर आप इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े। पदों के नाम हैं आपके स्टेनोग्राफर, फिटर, इंस्ट्रक्टर, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, वेल्डर और अन्य। कुल पद हैं आपके 1007 पद, ठीक है दोस्तों। आवेदन करने वाले की उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। दोस्तों ये बिल्कुल ही लिखित रूप में बोल रखा कि ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इनकी उम्र है वो 17 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। इस आधार पे होगा चयन, उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पे होगा। ऐसा करें आवेदन, आप HSC की वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, hsc.gav.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा भी जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और HSC ग्रुप डी का जल्द ही जारी होगा, ग्रुप डी का रिजल्ट ऐसे कर पाएंगे चेक। तो इसके बारे में दोस्तों हम आपको हरियाणा की या सेंट्रल गवर्नमेंट की लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट अपडेट भी शेयर करते हैं। दोस्तों आपका फ़र्ज बनता है कि हमारे द्वारा की गई अपलोड वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि आप ही अब इस चैन के चैन से, आप कहते हैं दोस्तों अगर तीन की मदद करोगे, आप तीन से शेयर करेंगे तो वो तीन उन तीनों को करेगा और वो तीन उन तीनों को करेगा, ऐसे करके एक लंबी चेन बन जाएगी। और यही हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा जानकारी हर बच्चा के पास पहुंचे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक सारे भाई अनाज जोड़कर राम राम।